हेलो फ्रेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स इजी। आज अपन देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं एंड सो ऑन। फ्रेंड्स नया चैप्टर आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक्स है रूरल डेवलपमेंट चैप्टर के, इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आगे तक इस चैप्टर को समझना है तो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके, कि जैसे ही आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के मेरे सारे वीडियो सीक्वेंस मिल जाएंगे। राइट, अब देखते हैं रूरल डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले मीनिंग वन मार्क में भी पूछ सकते हैं अपन से। एन एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक ऐसा एक्शन प्लान किसके लिए, सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑफ रूरल एरियाज, मतलब गांवों के क्षेत्रों के लिए, गांव वाले एरिया के लिए। जब अपन कोई ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमी के लिए आगे बढ़े और सोशली आगे बढ़े, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट। इसका फोकस बेसिकली दो ही चीज़ पे होता है रूरल डेवलपमेंट का। देखिए, इट फोकस ऑन फर्स्ट लिंगरिंग चैलेंजेस, सेकेंड है इमर्जिंग चैलेंजेस। लिंगरिंग चैलेंज में दो चीज़ें आती है। देखिए, चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, गांवों में क्रेडिट देना, उधार देने का, ये एक चैलेंज है लिंगरिंग चैलेंज में। सेकेंड क्या है, चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग, गांवों में मार्केटिंग करना, कोई चीज़ को बेचने का, ये भी एक चैलेंज है लिंगरिंग चैलेंज में। ये दो पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कई बार बाद मार्क में ये भी पूछ सकते हैं कि लिंगरिंग चैलेंजेस का पॉइंट ऑर्गेनिक फार्मिंग है कि नहीं, तो वी शुड नो। राइट, नेक्स्ट देखिए इमर्जिंग चैलेंजेस कौन से हैं। एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, लाइवलीहुड जीने के तरीके का, जीने जिससे पैसा कमाया जाए उस तरीके को ढूंढने के लिए, फार्मिंग के अलावा अलग ढूंढने के लिए, ये वाला जो चैलेंज है वो इमर्जिंग चैलेंज है। सेकेंड देखिए चैलेंज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक चैलेंज है इमर्जिंग चैलेंज। फ्रेंड्स अपन देखते हैं लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है रूरल डेवलपमेंट के, उसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, ए वाला पार्ट। राइट, देखिए चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट, गांव का क्रेडिट देने में क्या चैलेंज आता है और रूरल क्रेडिट होता क्या है, पहले एक बार ये भी देख लीजिए। रूरल या एग्रीकल्चर क्रेडिट एक ही मतलब होता है, मीन्स क्रेडिट फॉर फार्मिंग, खेती बाड़ी के लिए जो उधार दिया जाता है उसे कहते हैं रूरल क्रेडिट या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट। राइट, एंड क्रेडिट इज लाइफ लाइन, फार्मिंग के लिए उधार एक लाइफ लाइन का काम करता है। राइट, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट्स नीड। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो बहुत ही छोटे थे और मार्जिनल फार्मर्स थे, तो वो इतना ही प्रोड्यूस कर पाते थे जिससे वो सेल्फ कंज्यूम कर सके, खुद के लिए ही कंजम्पशन जितना प्रोड्यूस कर पाते थे। अगर उनको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से मिलेगा, उधार लेने से मिलेगा। राइट, सेकेंड देखिए लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड मतलब जो सोइंग और हार्वेस्टिंग है, बोने में और कटाई में जो बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगता है, इसलिए भी फार्मर्स को उधार की जरूरत पड़ती थी। राइट, नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट नीड्स, थ्री मार्क्स में। देखिए तीन क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट कितने से कितने टाइम के बीच में होता है, देखिए 6 महीने से 12 महीने के बीच में जो क्रेडिट दिया जाता है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। किस लिए रिक्वायर्ड होता है, ये देखिए, फॉर इनपुट सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इन सब के लिए रिक्वायर्ड जो होता है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। नेक्स्ट देखिए मीडियम टर्म क्रेडिट क्यों जरूरी होता है, 12 महीने से 5 साल तक के बीच में, मतलब कि 1 साल से 5 साल के बीच में जो टाइम पीरियड का होता है उधार, उसे कहते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट। रिक्वायर्ड किस लिए होता है, ये देखिए मशीनरी परचेज, कोई भी मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, उसके लिए। फेंसेस कंस्ट्रक्शन, वो तार लगे होते हैं ना कंस्ट्रक्शन, फेंसेस कंस्ट्रक्शन उसके लिए। एंड थर्ड डिगिंग वेल्स, कुआं खोदने के लिए। राइट, लास्ट देखिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्यों जरूरी होता है, कितने टाइम का होता है, 5 ईयर से 20 ईयर से, 5 साल से 20 साल तक का जो क्रेडिट दिया जाता है उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म क्रेडिट। रिक्वायर्ड क्यों होता है, एडिशनल लैंड परचेज, और ज्यादा लैंड खरीदनी अगर किसी फार्मर को उसके लिए लेते हैं, या फिर कैरिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट, परमानेंट इंप्रूवमेंट अगर एग्जिस्टिंग लैंड में करते हैं तब भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट ही लेते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, आपने भी देखा होगा छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना डिफिकल्ट होता है, मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को याद रखना, रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ी चीज़ को अपन इजीली याद कर पाते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने फोकस छोटी वाली चीज़ों पे ज्यादा किया। राइट, ये देखिए प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट ऑफ क्रेडिट क्या हो सकता है, 1 मार्क में पूछते हैं। प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए जो भी अपन क्रेडिट की जरूरत होती है उसे अपन कहते हैं प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट क्रेडिट की। दूसरा आता है अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट की होती है क्रेडिट की, कंजम्पशन एक्टिविटी के लिए, जब भी कंजम्पशन एक्टिविटी पे खर्चा किया जाएगा तो अपन कहेंगे अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की, उधार। राइट, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, रूरल क्रेडिट गांवों के क्रेडिट के कौन से सोर्सेज हैं, देखिए बेसिकली दो सोर्सेज हैं, फर्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, सेकेंड है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज किस लिए होता है, किस टाइप का होता है, देखिए मॉडर्न और इमर्जिंग सोर्स, जो नए जमाने का तरीका जो सोर्स होता है क्रेडिट का वो होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा होता है, कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल सोर्स, पुराने तरीके से जो क्रेडिट दिया जाता है वो कौन सा होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। राइट, अब देखते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते कौन कौन से लोग हैं, फर्स्ट आता है लैंडलॉर्ड, सेकेंड आता है विलेज ट्रेडर्स, थर्ड आता है मनी लेंडर्स। आपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में 93% जो अपना क्रेडिट जाता था वो इस सोर्स से जाता था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, और 1981 से अपना जो क्रेडिट मेनली जाने लगे वो किससे जाने लगे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, मतलब नए जमाने के तरीके से क्रेडिट दिया जाने लगे। राइट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आते क्या है, 4 आते हैं बेसिकली, गवर्नमेंट आती है, कॉपरेटिव आते हैं, कमर्शियल बैंक आते हैं, और आते हैं रीजनल रूरल बैंक। राइट।